हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा तृतीय श्रेणी जना अजना विज्ञान सप्तम पाठ जीवन निर्जीव तारे आम विभिन्न स्थान विभिन्न प्रकार जिनस देखा पाते आम घरे बाहर विद्यालय सीने रास्त सब जगह आम देखा दि प्रकार गोटाक जीवन अच्छे आ गोटाक जीवन ना जीव गोटे निर्जीव गोटे जार जीवन अच्छे सी जीव जार जीवन ना सी निर्जीव देख गोटे कह गोटे कथा गच्छ निर्जीव निर्जीव हम कमी काठ गच्छ जो काठटा हो सीटा हूँ निर्जीव कि गच्छा निर्जीव नुह गच्छर काठ है काठटा है निर्जीव कहीं तरह जीवन ना कि गच्छार जीवन अच्छी सी है जीव मनीष गोटे जीव पशुपक्षी जिते अच्छे समस्ते जीव जा कहीं जीवन अच्छी निर्जीव गोड़ी मटी पथर आर जीवन अच्छी कि इन जीवन ना तेनाली निर्जीव जमी गोटे निर्जीव मान भर कह चेयर बेच तक निर्जीव अच्छी आम ये व्यवहार करते घर अच्छी तर जीवन ना आम जो बासन कुसन अच्छे मत जीवन ना खट पलंग अच्छे तार भी जीवन ना गच्छ तार जीवन अच्छी मनीष तार जीवन अच्छी गाई गोर छेली मेढा पशु मानक जीवन अच्छी बारा कटक कुकुड़ा इमान जीवन अच्छी तारे आम कौन जाना जीवन ना आवन अच्छी गुड़क आम फरक कौन जान जाना कतोटे जिन कौन निजे अनुभव कर एवं निजे चिंता कर गोटे है मनीष खाद्य खाऊ खाद्य खाऊ गच्छलता से माने भी खाद्य खाऊं आशुपक्षी से माने भी खाद्य खाऊं गोड़ीमाटी खाद्य खाऊ कि चेयर टेबुल खाद्य खाऊं कि ये सब खाद्य खाऊ ना ये गोटे फरक जान गोटे खाद्य खाद्य खाऊ निश्वास नौ आम निश्वास प्रश्वास नौचे गच वृक्ष मत नि पशुपक्षी मैंने किंतु निर्जीव मान निश्वास प्रश्वास नि गोटे है आ गोटे है जीव मैने चालबुल करती जीव मैने चालबुल करती निज मैंने जो रहा मनीष चलते चले जमी है गोटे गाड़ी गाड़ी गोटे निर्जीव गाड़ी चलुचे कह तब कह गाड़ी चलुचे निर्जीव चलिए से निर्जीव कहीं अन्न कहीं चलाऊ से निजे निजे चलु तेणु से गोटे निर्जीव गच्छ खाद्य खाए बोले तुम मैंने प्रश्न पचार पार तेना मुझे गच्छ चेर साटी पा एवं खनिज लवण नहीं कांड पाक पठाए कांड पाक पठे से खाद्य तैयार कर प्रस्तुत कर खाए तेल ये देख छयासी पृष्ठ अच्छी पशु पक्षी गच्छ मनुष्य इत्यादि छोट रू बड़ हूँ कि आम गोटे कंडे रखा निर्जीव कंडे सी कौन बड़ हम कि बड़ ही पार्बन ये आम जाने कौन छोटर बड़ मैं हम खाद्य खाती निश्वास नि चल प्र
ଗଛ କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ତେରୁଣୀ ପୋକ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଛୁଇଁଦେବା ସେ ଗୁଡ଼ିଏ ତା ଜୀବନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛି ମଣିଷ ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି କାହାକୁ ଡାକିଲେ ଆସିବ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କାହିଁକି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ଗୁଡ଼ି ପଥର ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଯାହା ବି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ମଣିଷ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ ଜୀବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତି ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବମାନେ ଏସବୁ ପାରିବେ ନିର୍ଜୀବମାନେ ଏସବୁ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଏତିକି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ତେଣୁ ଆଜି ହୋମ ଆଣିଲି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ନମ୍ବର ଠାରୁ ଛଅ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆଣିବ ଆଜି ଏତିକି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଲେଖିବ।